Namaskar. So, my mother has undergone a treatment recently. तो उनके treatment के दौरान मैं एक surgeon से मिली, one of many surgeons. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि tell me something about homeopathy. I started explaining. तो मुझे लगा ऐसे मजाक में पूछ रहे हैं. But the question he raised, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों का ये questions हो सकते हैं. और क्यों ना एक वीडियो उस पर ऐसे बनाई जाए ताकि यदि वो you know, उस एक्सप्लेनेशन में हेल्प करती है किसी को भी, तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई. ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये एक्सप्लेनेशन लोगों ने नहीं दिया. बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने, बहुत अच्छे अच्छे होम्योपैथ्स ने अपने तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है. बट इट इज़ जस्ट अ बिट फ्रॉम मी कि मैं यदि एक्सप्लेन कर सकूँ उस चीज़ को. तो उनके बेसिकली दो क्वेश्चंस थे. उन्होंने अपना डाउट जाहिर किया कि इतना डाइल्यूशन होता है फिर भी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं. ये हो गया. दूसरा कि दवाई प्रिपेयर कौन करता है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स करते हैं या अलग से कोई वो कुछ होता है, या अपने जब डिस्पेंस करते हैं तभी प्रिपेयर करते हैं. तो मैं दूसरे क्वेश्चन का पहले आंसर कर देती हूँ, तो क्योंकि वो छोटा है. जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं उसके लिए अलग लैबोरेटरीज होती हैं, अलग फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि SBL, रेकवेग, ऐसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जिनके ब्रांड नेम के अंडर ये प्रिपेयर हुई जाती हैं. और ये प्रॉपरली लैब में अंडर गाइडेंस ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर होती हैं. जो क्लिनिक में काम होता है वो उनको डिस्पेंस करने का होता है, और डिस्पेंस करने के लिए अलग अलग व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जो वाइट ग्लोब्यूल्स हो गए उसमें दवाई मिक्स करके देना, या आपको एडवाइस किया जाता है कि ये लिक्विड आप ले चाहिए इसको पानी में 4 बूंद मिला के या 10 बूंद मिला के पीजिएगा. सो अब ये व्हीकल का कॉन्सेप्ट मैं समझा देती हूँ. सपोजिटली आपको यहाँ अपने घर से किसी मार्केट जाना है जहाँ आप वॉक करके नहीं जा सकते, बहुत दूर है, तो आइदर यू विल हायर अ कार और यू विल टेक आउट योर ओन कार, या आप किसी स्कूटर में या किसी बस में जाएंगे. तो वो व्हीकल काम कर रहा है आपको अपने घर से उस जगह ले जाने का. ऐसे ही होम्योपैथी में जो वाइट ग्लोब्यूल्स हैं वो काम कर रहे हैं जो दवाई है उसको उस कंटेनर से आपकी बॉडी में ले जाने का. सो दैट आंसर्स द सेकेंड क्वेश्चन कि दवाइयाँ जो है प्रिपेयर कहीं और होती हैं, क्लिनिक पे सिर्फ डिस्पेंस की जाती हैं. कुछ केसेस में डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ जब प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो अपने लैब में अंडर द स्पेसिफिक गाइडेंस ऑफ फार्माकोपिया वो प्रिपेयर करते हैं एंड देन डिस्पेंस करते हैं. बट दैट इज इन रेयर केसेस. मोस्टली मेडिसिन आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि डाइल्यूशन के बाद भी इतना काम कैसे करती है, मैंने अपनी बुक निकाली फर्स्ट ईयर की फार्मेसी की, प्रॉपरली पढ़ के फिर आंसर किया जाए, सिर्फ वही नहीं कि जो हमें पता है उसी से. तो अब मैं कंसेप्ट समझाती हूँ कि आपको दवाइयाँ मतलब सबसे पहले क्या बनेगा. तो इनिशियली कोई भी एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट या मिनरल्स लिए जाते हैं जिनसे सबसे पहले बनाया जाता है या तो मदर टिंचर या मदर सॉल्यूशन या मदर पाउडर, यानी सबसे पहले बनने वाली चीज़ अंडर द इंस्ट्रक्शंस जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. ऐसे ही उठा के आपको दवाई के फॉर्म में नहीं दिया जाता. आपने कई बार देखा होगा आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि फाइटोलाका बेरी का मदर टिंचर ले लेना 20 ड्रॉप्स इसमें डाल के. तो सबसे पहली जो चीज़ बनी दवाई वो वही बनी कि मदर टिंचर या मदर सॉल्यूशन या मदर पाउडर. जो सोल्यूबल चीज़ें हैं उनसे टिंचर बन जाता है, जो सोल्यूबल नहीं होते उनसे पाउडर बन जाता है. तो मदर टिंचर को जब हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि इट इज़ द ओरिजिनल टिंचर प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली फ्रॉम द क्रूड ड्रग सिक्योर्ड फ्रॉम एनी सोर्स. दे आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक टेक्निक रिटेनिंग ऑल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. यानी सीधे ड्रग से बनाए गए उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हुए और उसको अल्कोहल की मदद से उसको प्रिजर्व करते हुए बनाया जाता है. फिर हम आते हैं मदर सॉल्यूशन को डिफाइन करने पे. तो द ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ प्योरीफाइड वाटर. मदर टिंचर में अल्कोहल यूज़ होता है, मदर सॉल्यूशन में प्योरीफाइड वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स ऑफ एनी ओरिजिन which are not soluble in alcohol. कौन सी जो alcohol में soluble नहीं है crude drugs, then we use purified water and the medicine made is known as mother solution in general. उसके बाद हम आते हैं mother powder को explain करने में या trituration को explain करने में. the original powder prepared with the aid of saccharum lactis. saccharum lactis यानी जो सफ़ेद powder
आता है जिससे ग्लोब्यूल्स भी बनते हैं, सफ़ेद गोलियां बनती हैं, सैक्रम लैक्टस उसको कहते हैं. उसके डायरेक्टली फ्रॉम द क्रूड ड्रग ऑफ एनी किंगडम विच इज़ नाइदर सोल्यूबल इन एल्कोहल नॉर इन प्योरीफाइड वाटर. जो कि ना ऐसी ड्रग्स जो ना तो एल्कोहल में सोल्यूबल है ना ही प्योरीफाइड वाटर में सोल्यूबल है, उनको ट्राइचुरेशन की मदद से उन और सैक्रम लैक्टस के साथ कंबाइन करके उनका मदर पाउडर बनाया जाता है. तो अब जब मदर टेंचर या मदर सॉल्यूशन या मदर पाउडर बन चुका है तो उससे अब नेक्स्ट पोटेंसी यानी उससे हायर पावर की ड्रग मेडिसिन, सेम मेडिसिन को हायर पावर में कन्वर्ट करने का टाइम आता है. तो जो ये मिथ है या भ्रांति फैली हुई है कि सिर्फ अल्कोहल एक्स्ट्रा डाल दो या प्योरीफाइड वाटर एक्स्ट्रा डाल दो या मदर पाउडर के केस में सैक्रम लैक्टस यानी मिल्क शुगर ऑफ मिल्क लैक्टोज पाउडर एक्स्ट्रा डाल दो तो बन गई दवाई और डाइल्यूट हो गई बन गई, दिस इज़ नॉट ट्रू. जहाँ पे ये जो डाइल्यूशन होता है इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है कि जो एवरी स्टेप जहाँ पे एक्स्ट्रा व्हीकल एक्स्ट्रा ये डाइल्यूशन के लिए चीज़ें ऐड की जा रही है उसके साथ साथ उसको पोटेंसी भी दी जा रही है जो कि बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होती है दो तरीके से, या तो सकर्शन या ट्राइचुरेशन. सकर्शन ज़्यादातर सॉल्यूशंस के लिए होता है, ट्राइचुरेशन ज़्यादातर जो सॉलिड मेडिसिंस हैं जो सोल्यूबल नहीं है पानी में या अल्कोहल में उनके लिए होता है. अब सकर्शन क्या हो रहा है, सकर्शन इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस सोल्यूबल इन लिक्विड व्हीकल्स बाय एम्प्लॉइंग पावरफुल डाउनवर्ड स्ट्रोक्स. स्ट्रोक्स के साथ साथ उनको पोटेंटाइज किया जा रहा है और ये स्ट्रोक्स कोई ऐसे ही नहीं कि अपने मन से आपने जितने भी बार ऐसे हिलाना है हिला दिया, नहीं, दे हैव इट हैज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट लेड इन द फार्माकोपिया जिसमें या तो आपको 10 रिदमिक होने चाहिए स्ट्रोक्स, नंबर भी स्पेसिफाई किया गया है, फॉर एग्जाम्पल 10 स्ट्रोक्स होने चाहिए, डिस्टेंस जो कवर्ड है स्ट्रोक्स का वो सेम होना चाहिए, सेम इंटरवल पे उनको प्रेशर लगना चाहिए, दिस इज ऑल बीन स्पेसिफाइड. उसके बाद जो है ट्राइचुरेशन हो सकता है. ट्राइचुरेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा विच आर इनसोल्यूबल इन लिक्विड व्हीकल्स बाय ग्राइंडिंग देम विद सूटेबल सॉलिड व्हीकल्स सच एज सैक्रम लैक्टस और शुगर ऑफ मिल्क. उनको ग्राइंड किया जाता है और उनको ग्राइंड करने के लिए भी स्पेसिफिक रूल्स ले किए गए हैं कि इस डायरेक्शन में करना है, इतना करना है, इतनी बार करना है, उसके बाद नेक्स्ट लॉट डालना है सैक्रम लैक्टस का या किसी सॉलिड व्हीकल का. तो एवरीथिंग हैज़ बीन मार्क्ड बाय स्टेप्स. तो जो ये जो दो टर्म्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए वो इसलिए एक्सप्लेन किए कि जो हर स्टेप पे मेडिसिन बनती है वो खाली म्योर डाइल्यूशन नहीं है, इट इज़ एक्चुअली पोटेंटाइजेशन और डायनामाइजेशन. अब वो क्या होती है, सो होम्योपैथिक डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज विच आर लेटेंट इन नेचुरल सब्सटेंसेस वाइल इन देयर क्रूड स्टेट बिकम अराउज्ड एंड बिकम इनेबल्ड टू एक्ट ऑन आर सेंसिबल एंड इरिटेबल फाइबर. ह्यूमन बींग्स में एक्ट करने के लिए उस क्रूड सब्सटेंस का, क्रूड सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल धतूरा. आप धतूरा एज इट इज नहीं खा सकते लेकिन जब धतूरे से दवाई बनाई जाती है जिसका नाम स्ट्रेमोनियम है और काफ़ी ब्रेन के इश्यूज, स्किन के इश्यूज और थ्रोट के इश्यूज को ठीक करने के लिए दी जाती है तो आप लेते हैं उसे एज एन व्हेन प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर, लेकिन आप धतूरा या थॉर्न एप्पल डायरेक्टली तो नहीं खा सकते. तो वही बताया गया है कि उस सब्सटेंस का जो मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के उससे दवाई बनाई जाती है. इनिशियली मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन या मदर पाउडर बनाया गया, फिर उसको नेक्स्ट लेवल बढ़ाते गए, उसकी शक्ति को बढ़ाते गए काम करने की और उसको पोटेंटाइज करते गए. तो नाउ द स्टेटमेंट इज दैट वेन एवर द नेक्स्ट सीरीज इज मेड और नेक्स्ट पोटेंसी इज मेड, इट इज़ नॉट म्योरली डाइल्यूशन बट इट इज़ पोटेंटाइजेशन ऑफ द मेडिसिन. यानी जो एक्स्ट्रा व्हीकल डाला तो डाला लेकिन उसके साथ उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड की गई कि वो वहाँ पे और ज़्यादा शक्ति से ह्यूमन बीइंग में काम कर सके.
अब एक और कॉन्सेप्ट आता है वाटर मेमोरी का, कि वाटर मेमोरी इम्पार्ट की जाती थी. तो जब ये होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई थी वो बेसिकली 1796 में हुई थी बाय सैमुअल हैनेमन. और जब ये मॉडर्न वर्ल्ड में हमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, इट वॉज 1959 बाय रिचर्ड फेमन, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया. तो इसके बारे में मैं फर्दर वीडियोस में बात करूंगी कि कहाँ कैसे अब जो रिसर्च होने लगी है होम्योपैथी में, कैसे नैनो मेडिसिन को लेकर या नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर ये फैक्ट्स प्रूफ किए गए हैं कि इवन हायर डाइल्यूशंस या हायर पोटेंसीज में भी नैनो पार्टिकल्स मेडिसिन के प्रेजेंट होते हैं और वो इफेक्ट करते हैं. बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हुई हुई है, बहुत सारी होने की अभी बहुत जगह है. सो इन दिस सीरीज आई विल बी स्पीकिंग अबाउट सम रिसर्च दैट कैन हेल्प यू लर्न मोर अबाउट होम्योपैथी, हाउ इट स्टिल इज साइंटिफिक, हाउ इट मैचेस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. और जो शब्द, क्योंकि उतनी डिस्कवरी मॉडर्न साइंस में उस वक्त नहीं हुई थी, तो जो अब बहुत वेग समझे जाते हैं उनको बेसिकली किस सेंस में तब बोला गया था वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. एंड इफ इट कैन हेल्प यू एंड इन जनरल आई वुड बी यू नो वेरी हैप्पी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, लाइक द वीडियो. थैंक यू.